12वीं पास अरविंद ने क्यों दी मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, पूछताछ पे खुलेगा राज। आगरा से मुंबई एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देने का राज अरविंद से अब एंटी टेररिस्ट सेल यानी कि ATC उगलवाएगी। रविवार शाम को मुंबई पुलिस अरविंद को लेकर वर्ली थाने पहुंच गई, जहां उसे न्यायालय में पेश करने के बाद ATC को सौंप दिया गया। बृहस्पतिवार को मुंबई पुलिस की स्पेशल सेल ने आगरा के सोहल्ला से अरविंद को गिरफ्तार किया था। सोहल्ला में परचून की दुकान चलाने वाले अरविंद ने 27 मई को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर व कंट्रोल रूम पर मैसेज भेजा, जिसमें मुंबई एयरपोर्ट ताज होटल में बम रखने की धमकी दी। बृहस्पतिवार को मुंबई पुलिस ने सदर क्षेत्र स्थित सोहल्ला से अरविंद को पकड़ा। शनिवार को अदालत से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई पुलिस के लिए निकली थी स्पेशल सेल। उप निरीक्षक प्रशांत पाटिल ने बताया कि ट्रांजिट रिमांड बढ़ाने के लिए मुंबई कोर्ट में पुलिस प्रार्थना पत्र देगी, फिर आगे की पूछताछ वर्ली थाना की ATC करेगी। धमकी क्यों दी ये राज भी अरविंद से ATC उगलवाएगी। इंटरमीडिएट पास अरविंद को मोबाइल पर गेम खेलने का शौक था। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसे धमकी देने का टास्क ऑनलाइन गेमिंग मिला था। जिस मोबाइल से धमकी दी गई वह चोरी का निकला है। उसे 1000 रुपए में अरविंद ने खरीदा था। लोहा मंडी की ID से धमकी के लिए इस्तेमाल नंबर का सिम कार्ड खरीदा था। मुंबई पुलिस ने पहले इस मामले में सिकंदरा राव से रत्नेश और फिर एटा से उसके चाचा धर्मेंद्र को गिरफ्तार किया, लेकिन दोनों ने बताया कि उनका मोबाइल चोरी हो चुका था, जिसकी सूचना पुलिस में दी गई थी। इस पर पुलिस ने दोनों को क्लीन चिट दी। फिर अरविंद पर शक गहराने पर घेराबंदी कर मुंबई पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। दिल्ली गेट के हॉस्पिटल में बम की मिली थी धमकी। DCP सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि मुंबई एयरपोर्ट मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। पिछले साल दिल्ली गेट स्थित एक हॉस्पिटल में बम रखे होने की धमकी के मामले में आगरा पुलिस ने अलीगढ़ के युवक को गिरफ्तार किया था और उसे जेल भेज दिया गया था। उसने भी हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी।